हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम योर टीचर ऑफ मैथ्स एंड टुडे इज टर्न ऑफ अवर मैथमेटिक्स सो वी सॉल्व अवर क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट अब तक हमने हमारा जो फोर्थ चैप्टर है यानी मल्टीप्लिकेशन वो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। डियर स्टूडेंट अब तक हमने हमारी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ए बी और सी ये तीन एक्सरसाइज हम कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज डी। अब देखिए एक्सरसाइज डी को करने से पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ग्रिड यानी ग्रिड दिया हुआ है। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड को हिंदी में जाल कहा जाता है। तो ग्रिड दिया हुआ है, इस ग्रिड को हमें समझना है और समझने के बाद में हमारे क्वेश्चन जो है वो इसी ग्रिड पे बेस्ड है और इसी के आधार पर हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए, हियर इज ए मल्टीप्लिकेशन ग्रिड, यू कैन यूज दिस ग्रिड टू लर्न टेबल्स फ्रॉम 11 to 20। आप यूज कर सकते हो इस ग्रिड का इस्तेमाल करके, आप 11 to 20 तक टेबल लर्न कर सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए टेबल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये टेबल्स दी गई है। अब टेबल को देखिए, जैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब ये दिया हुआ है ग्रिड, दिया हुआ इसी ग्रिड को हमें समझना है। जैसे कि ये टेबल, अब इसी को हमने अंडरस्टैंड किया यानी टेबल दी गई 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये टेबल दी गई, इस टेबल का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाई यूजिंग दी अबाउ चार्ट, हमें इस चार्ट का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो हमारी इस तरफ हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल रो है, इस रो को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा यहाँ आ रहा है। अब यहाँ हमें किसको करना है? हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को हम लेके जाएंगे कहाँ? जहाँ हमारी 18 की टेबल है। तो हम इसको, तो जैसा मैंने आपको बताया 7 को 18 के पास लेके जाएंगे, तो 7 को यहाँ से हम लेके जाएंगे कहाँ? 18 की टेबल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमारे क्वेश्चन में बोला 18 को 7 के पास लाना है। तो यहाँ देखिए 18 को लाना है। अब देखिए ये रहा हमारा 7, तो यहाँ तक आ गए। अब इसको अगर यहाँ से हम लेते हैं तो ये कितना हुआ? 18। कहाँ तक आ गया? 7 तक। तो अगर 7 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ग्रिड में आंसर क्या आया? 126। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? हमारा आंसर होगा 126। यहाँ आपका आंसर हो गया। अब एक और देखिए, 16 को लेके जाना है 5 तक। अब 16 की टेबल देखिए, 16 की टेबल ये रही, 5 कहाँ है? ये है। अब इसको लेके जाना है यहाँ, यहाँ से लेंगे हम, ये हो गया हमारा 16 की टेबल 18 तक। तो हमारा आंसर क्या है? 80। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होने वाला? 80। ये बच्चों एक तरीके से मल्टीप्लाई, आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 7 1 जा 7, 7 की टेबल अगर 8 टाइम बोलते हैं तो कितना आता है? 56। तो हमने 56 का 6 लिखा और 5 हमारी कैरी हमने साइड में रखी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है? 7। 7 में अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 12 है। तो हमारा आंसर आ गया 126। ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये दो क्वेश्चन ये अभी हमने किए थे अकॉर्डिंग टू ग्रिड, हमें जो चार्ट दिया गया उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट इनके आंसर फाइंड आउट किए थे। लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी हमारे आंसर यही आने वाले हैं। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 30। 30 का 0 और कैरी कितनी थी अपनी? 3 हमने साइड में रखी। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 5। 3 ऐड किया तो कितना हुआ? 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 80। इस प्रकार से हमें इस चार्ट का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ क्वेश्चन आपको करना। अब एक मैं करवा देती हूँ जे वाला आपको क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जे वाला हम करते हैं, 6 को हमें लेके जाना है 18 तक, या फिर हम कह सकते हैं पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 8 की टेबल 6 टाइम बोलते हैं या फिर 6 की टेबल 8 टाइम बोलते हैं, कितना हुआ? 48। 48 का हमने 8 लिखा, देखिए यहाँ लिखते हैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 4 ऐड करते हैं तो कितना हुआ हमारा आंसर? 6 में 4 ऐड करते हैं तो हमारा 10। तो ये हमारा आंसर हो चुका। अगर इसी क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंग टू हमारे चार्ट करते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। ये रहा आपका 6, 6 को 18 के पास लेके जाएंगे, 6 को अगर 18 के पास लेके जाते हैं तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर क्या हुआ? 108। जैसा कि हमारे यहाँ भी आंसर क्या आया? 108। तो इस प्रकार से आपको इस ग्रिड का इस्तेमाल करके, इस चार्ट का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके अलावा अगर आप इस चार्ट से ना करना चाहो तो जो नॉर्मली हम मेथड अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन का टेबल बोल के, वैसे भी हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज आपको एक्सरसाइज डी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है विथ यूजिंग बाई दिस चार्ट। अब आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अब हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 4F,
उसको हम करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले उसके बेस पे जो क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ट है, उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, यानी जो थ्योरी है वो मेथड है वो हम क्लियर करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 10 से, 1000 से और 100 से, यानी 10, 100, 1000 इनसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन मल्टीप्लिकेशन को देखने में ये काफ़ी बड़े नंबर लगते हैं, इनको सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इनको एक ईजी वे में करते हैं, वो देखिए। अब टेंस क्या होता है, जब हमारे माइंड में आता है 10, तो 10 के नाम से हमारे माइंड में क्या आता है, 1 और 0, यानी टेंस का मतलब क्या होता है, 1 0 इसमें ऐड किया हुआ है। अब 100 में क्या होता है, 100 में 2 0 होते हैं, 2 0 होते हैं, तो क्या हो गया हमारा 100, 1000 में क्या होता है, 3 0, 1 2 3, 3 0 आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 10, 100 और 1000 इनको अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 6 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 6 को मल्टीप्लाई करना तो आप इजी वे में यूज़ कर सकते हो, आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर हुआ, 6। अब यहाँ आप जानते हैं क्या है टेंस, टेंस में क्या होता है, 0 लगता है, तो आपने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में जो टेंस वाला नंबर था उसका 0 आपने यहाँ ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ किया गया। या तो आप 6 टेंस लिख दो तो भी आपका आंसर क्या हुआ, 60, या फिर आप 60 लिखो, दोनों ही मेथड आपके सही है। अब यहाँ देखिए, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, अब 6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में हम जानते हैं कि 2 0 होते हैं, तो या तो आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो गया, सॉरी 100 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, या तो आप 100 लिख सकते हो या फिर इसको सॉल्व करके 600 आप लिख सकते हो, यानी 100 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 600, यानी कि आपका जो 1 नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके जितने भी 0 है वो आप 0 ऐड करके उसको सीधा शॉर्टकट कर सकते हो। अब देखिए 1000, वही मेथड है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आया, 6, फिर बाद में जितने भी 0 लेफ्ट है वो आप 6 के पास रख सकते हो, उसके लेफ्ट साइड में आप रख सकते हो, रखने से क्या होता है आपका सीधा शॉर्टकट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन बाई 20, 30, 40, etc., 90, यहाँ तक आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही शॉर्टकट मेथड है, आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 30, 15 वन जा 15, 52 जा 30, 30 आपका आंसर आया, 30 आंसर आपका आ चुका है, उसके साथ में जो 0 लेफ्ट वो आप यहाँ रख दो तो आपका आंसर आ गया 300। यहाँ एक और देखिए, 45 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, यदि 45 को 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और लेंथी क्वेश्चन होता है, तो कई बार हम करने के बारे में सोचते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसको आप इस तरीके से शॉर्टकट कर सकते हो। अब देखिए 40 को आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 3 × 15, 5 × 5, 5 × 5, 25, 5 × 25, तो 25 आंसर है, तो 5 यहाँ रखा, 2 केरी हमने साइड में रखी, 5 × 4 कितना होता है, अभी हमने बोला था 5 × 4 होता है 20, 20 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना हुआ 22, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है किससे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये 0 है, 0 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, 0 को अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, 0 अपने आप में ही एक मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ आपने 0 ऐड कर दिया तो आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका है। इस प्रकार से आप इन शॉर्टकट मेथड्स का यूज करके भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। इससे आगे एक और क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारे कितना था, ये हमारे टेंस तक का था, अब अगर हमें 100 करना हो तब हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 12 को आपको करना है 200 से मल्टीप्लाई, 12 को 200 से करो तो आपके जो 00 उनको साइड में रखो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 12, 12 × 2 = 24, तो आपका आंसर कितना हो 24 आया, ये 20 जो लेफ्ट में थे उनको आप लेफ्ट में ही रखो तो आपका आंसर ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बी क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको 100 वाला करके बता दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए 25 को 300 से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों दो मेथड अपन अप्लाई करते हैं, यानी जो नॉर्मल मेथड हम अप्लाई करते हैं वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है 25 को 300 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यानी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है 0 होता है, 0 को 2 से किया 0, अब नीचे मार्क लगाया हमने मल्टीप्लिकेशन को, वापस 0 को 5 से किया तो 0, 0 को 2 से किया 0, अब वापस से 3 टाइम कर रहे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया हमने, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 15, 15 का 5 लिखा,
15 की कैरी कितनी थी, 1 साइड में रखी हमने, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 6, 6 में अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 7, तो हमारा आंसर क्या आया, 7। तो अगर हम इनको ऐड करते तो कितना आया आंसर हमारा, हमारा आंसर आया था दिस वन, ये हमारा आंसर आया। तो जैसा कि आपने देखा कितना लेंदी क्वेश्चन हो चुका, अगर इतना लेंदी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमें क्वेश्चन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन। इससे बचने के लिए हम क्या करना है, इससे बचने के लिए जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको अभी बताती आ रही हूँ उसी मेथड का आप यूज़ करिए ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी और ईजी वे में हो सके, आपका टाइम हम सेव कर सकें। अब देखिए जैसा अब ईजी वे हमने अप्लाई किया वो देखिए, 25 को हमें क्या करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो दो जीरो थे वो हमने साइड में रखे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आया, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया या फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 15 लिखा। फिर कैरी हमने साइड में रखी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 6, 6 में 1 कैरी ऐड करी, 75, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने क्या किया था, दो हमारे पास जो जीरो थे वो हमने सेव करके रखे थे, बचा के रखे थे, वो उनको आप यहाँ रखो तो आपका आंसर एज इट इज़ वही आंसर आया जो अभी हमने इतना लंबा जो क्वेश्चन किया था। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हम इजी वे में भी हमारे मैथ्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं, यदि हमें ट्रिक्स अच्छे से समझ ली जाए तो हम इजी वे में उन क्वेश्चन को कम समय में फटाफट एक्यूरेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया है, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड से अगर हमारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने हो तो हम किस प्रकार से इन इजी वे में इसे कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम करेंगे एक्सरसाइज। अब यहाँ देखिए हमारी आगे एक्सरसाइज 4E बेस किस पे है, जो हम अभी हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ये बेस्ट है। तो फर्स्ट देखिए, राइट द प्रोडक्ट इन दी ब्लैंक बॉक्सेस। ब्लैंक बॉक्सेस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इन बॉक्सेस के अंदर हमें क्या करना है, राइट करना। राइट क्या करना वो देखिए, 8 को हमें इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 800। अब 100 है तो बच्चों ऑब्वियस है किससे मल्टीप्लाई हुआ ये, तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन, हमें 8 को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 800। जैसे कि आप जानते हो मैंने बोला 100, तो ऑब्वियस इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमें 100 से। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 दो जीरो में ऐड कर दिए तो 800 आंसर आ गया। अब सेकंड वाला आप खुद से करोगे क्योंकि सेम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा है, आपको क्या करना है इसी वे में इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 19 को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर 1900 आ जाए। अब देखिए थर्ड वाला मैं आपको सी में करवाती हूँ, आपको क्या करना है, 35 को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर कितना आ जाए, 350। तो जैसे कि आप देख रहे हो 350, तो यहाँ एक जीरो है, इसका मतलब आपको भी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें एक ही जीरो हो। तो एक जीरो किस में होता है, टेंस में, तो हमने क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया एज इट इज़। अब डी वाला आप खुद से करेंगे, बी वाला करेंगे, डी वाला करेंगे। अब देखिए मैं आपको करवाती हूँ ई वाला। ई वाला देखिए आपको क्या करना है, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया हमने, शॉर्टकट वे में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता आपका 2, और 000 हमने ऐड कर दिए तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। अब एफ आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर होगा वही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिए 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारा शॉर्टकट मेथड है उसी को यूज़ करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आता है, 12 है, तो हमने 12 लिखा, ये जीरो यहाँ ऐड कर दो, हो गया आपका आंसर। अब ये बी वाला आप करोगे, सी वाला आप करोगे। अब एक डी मैं आपको करवा देती हूँ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए आपको 5 को 600 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे माइंड में अगर ये आए कि 5 को 600 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन बन चुका है, तो हम उस लेंथी क्वेश्चन को उसी वे में करते हैं जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमें क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग बन जाता है। तो वही सिंपल मेथड हमारा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है, 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आता है 30 लिखा। अब कितनी जीरो है, 20, तो यहाँ 20 ऐड कर दी तो आपका आंसर आ गया। अब इसी बेसिस पे आपको ई और एफ ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में खुद से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज का हमने जो वर्क किया वो बड़ा ही इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में हमने किया है। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा, आपको एक्सरसाइज ई अच्छे से करनी है नोटबुक में। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ई और डी जो है
वो आपको नोटबुक में सॉल्व करनी है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करने, यानी एक्सरसाइज एक का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इनमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उनको समझना है और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए एक्सरसाइज डी, देखिए एक्सरसाइज डी में देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ए करवा दिया था, बी करवा दिया था और जे करवा, तीन क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करने के लिए दिए थे। आपको इन क्वेश्चंस को नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे भी कर सकते हो, टेबल बोल के भी कर सकते हो, या फिर इस चार्ट का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो। आपके पास तीन तीन ऑप्शन, आप तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है उसी का आप यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूज़न है, क्यूरी है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच अगेन।